ठीक है ना, धोने को भी अमनिया बोलते हैं। सदुकड़ी भाषा है, आप लोग नहीं समझेंगे, जो समझेंगे वही। तो महाराज जी बोले ये काम कर, ले जा और इसका करो भोजन हो जाता है। अब अपना ले लिया, एक दो तीन चार, ठीक है पांच आदमी के खाने भर का ले लिया, आटा घी आलू का रोटी चोखा बना ले। तो जब जाने लगा तो बुलाया गुरुजी ने, बुलाया गुरुजी बोले ए सुन, जब जाना ना तो बिना भोग लगाए मत खाना। पाना बोलते हैं, खेलने को पाना बोलते हैं, खाना खाना शब्द कड़ी भाषा में पाना कहते हैं। बोले जाना तो ऐसा है, प्रसाद भोग लगाने के बाद तब अपने पाना, पाना मैंने खाने खाना तो क्या ठीक है नहीं कहा सोचने लगा कि एकर मतलब भगवान खाई है और दूसरे के भूखे मरे मरे अपने उनके ना एकादशी बा, हमारे घर एकादशी बा ले लिया, ठीक है और ले करके अपना नदी के तट पर चला गया। आंखों में आराम से वो क्या बोलते हैं, वो उपला उपला को आपके भाषा में गुहरा गोईठा चिपरी ये बोलते हैं ना, अपना ले लिया और उसको जला लिया, लकड़ी लकड़ी जला लिया और अपना बना लिया। बनाया क्या, हथौड़ा उठा लिया, कहे हथौड़ा बनाया पांच गो अपने के गो भगवान, ठीक है कई गो बना बना पांच गो अपने के गो छह गो भगवान। आज चरखा भी बनाया पांच गुना, पांच आलू का परे निकाल लिया, एक आलू का भगवान को रख रख, घी भी लगा लिया। अब देखिए एक आधा व्रत है, वो व्रत नहीं किया, बैठ गया। तब देख देख अब देखो बोला कि सतगुरु बाणी झूठी होगी, बिना भोग लगाए जो खाऊंगा, जिसके बल से जीवन चलता उसके नजरों में गिर जाऊंगा, जो रोज खिलाते मेरे सतगुरु आज प्रभु को हाथ खिलाऊंगा, धन होगा यह मेरा जीवन में भी गुरु बाबा बन जाऊंगा। ठीक है अब लगा लिया, भगवान का पते नहीं। अब वो तो जानता नहीं, डंडा लेकर बैठा था। डंडा लेकर बैठा था। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, भगवान शंकर इस बात को कहे हैं, भगवान शंकर की वाणी है। रामचरितमानस में आप लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को पढ़ेंगे, रामचरितमानस इसका प्रमाण देता है। जब रावण के अत्याचार से संपूर्ण धरा कंपित हो गई, देवलोक त्रसित हो गए, साधु सन्यासी संत जन मारे डर से कंदरा गुफा में जाने लगे, कोई यज्ञ करने कर नहीं पाता था, इतना आतंकवाद उग्रवाद इस धरती पर बढ़ी तो धरती के अत्याचार से सभी धरती माता भी स्वयं गाय का भेष धारण करके पहुंचे भगवान का प्रार्थना करने। यह कहा गया, लोगों का जब मीटिंग हुआ, सम्मेलन हुआ देवताओं का, तो सभी देवताओं से पूछा गया कि कहां विनती किया जाए। कोई कहे क्षीर सागर में चलिए, कोई कहे ब्रह्मलोक चलिए, कोई कहे मंदराचल पर चलिए, कोई कहे वहां चलिए। इन भगवान शंकर एक बात बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर से बोले कि हरि माने भगवान, व्यापक माने मौजूद, सर्वत्र माने हर जगह, कण कण हर जगह है, हर जगह है, लेकिन आगे की चौपाई। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, क्या बोले, प्रेम से प्रकट होते हैं, बोले नियम तो बोले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सदगुरु के पास जाने के बाद प्रबल प्रेम कैसे लगता है यह सीखना चाहिए, यही मांग करना चाहिए। और जिस दिन प्रबल प्रेम की परिभाषा समझ में आ गई दिव्यात्मा, उसी समय
न वेद पढ़ने की जरूरत, न शास्त्र पढ़ने की जरूरत, न यज्ञ करने की जरूरत, न सत्संग करने की जरूरत। हर पल हर क्षण हर श्वास वह परम शक्ति सत्ता के चरणों में बीत जाएगा और पछताना नहीं हुआ, हम दर्शन नहीं पाए, हम साक्षात्कार नहीं कर पाए। देखिए धोखा तो खाता है जो खोजता है, और खोजा उसको जाता है जो खो गया हो। मने हेरा गए लोके वे के खोजे छे भगवान हेरे है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब प्रेम में लोग रूप लगाते हैं, प्रेम ही से मिलने वाले। देखिए अब वो बच्चा इतना जो भूखा आदमी एक मिनट न रह पावे, अब पुकारने लगा किसको, किसको पुकारने लगा, काहे खातिर, भोग लगावे खातिर। अभी ना भोग लगाने यदि ग्रहण करता है तो सोचता है कि गुरु की वाणी का उल्लंघन होगा। एकादशी व्रत वाले को भोजन का याद आ रहा है, भोजन आज बंद है। अरे बात तब क्या, कोई बात नहीं, चलिए चलिए हो जाए, हो जाए, घबराइए नहीं, ये नहीं कही तो आज बंद कर दे, जाइए हैं जाते ही मेरे दोस्त। देखिए हमारा क्या पूछ रहे, कोई पूछ रहा है गुरु जी आप व्रत हैं कि नहीं, और हम समझा दे हम व्रत रही रह नहीं रहे कैसे रहे, किसी दिन प्रसंग में आ जाएगा तो हम बता देता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब नदी समुद्र को पा जाती है तो उसका भटकन समाप्त हो जाता है, वैसे जब परम शक्ति सत्ता से मुलाकात हो जाती है तो सारे खटकर्म ही खत्म हो जाते हैं, कोई खटकर्म नहीं होता। ठीक है खटतम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सचन धरा। तब तक चलता है जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती है। अच्छा आप कहीं गए हैं दो कोस दूरी पर, तब आपको घर जाना है, और जब घर चले जाएंगे तो भी दौड़ेंगे, तब तो रुक जाएंगे ना, क्योंकि अपने घर आ गए। उसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति जब सदगुरु के माध्यम से हो जाती है तो उसका मंजिल खत्म हो जाता है। संसार में जितना काम करता है ना लीला के लिए करता है, इसीलिए लोग कहते हैं राम लीला रास लीला, लीला हो जाता है। सीता मैया का लीला, अंबे मैया का लीला, देवियां भी जब पा जाते हैं तो भी लीला करती हैं, जैसे महिषासुर मर्दिनी की, सीता मैया की, लक्ष्मी मैया की, अंबे मैया की, उसी तरह से देवियां लीला करती हैं, अनसुईया की, सावित्री की, उसी तरह से हो जाता है जब वहां पहुंच जाते हैं तब। अब वह बच्चा जो एक घंटा बिना भूखे न रह पाए, एक सेकंड न रह पाए, अब इतना देर हुआ तो याद कर रहा है। ठीक है श्रृंगी नहीं, चलिए हम आपको से गाएंगे। पुकारते पुकारते एक घंटा बीत गया, भगवान नहीं आए, बोल रहे हैं अरे कब से पुकारे भगवान आया, कब से कहां पुकार रहा था गंगा, अरे कब से पुकारी भगवान के गंगा के दुआरी आया, रे गंगा के दुआरी आया, रे गंगा के दुआरी आया, रे गंगा जानते सीधा साधा था ना, नहीं जानी जप तप नहीं, पूजा ज्ञान आयर नहीं, पूजा ज्ञान आयर नहीं, पूजा ज्ञान आयर नहीं, पूजा ज्ञान आयर नहीं।
बस सुनाई ना हो हे मैया हो हाथ जोड़ के Hey.